नमस्कार, मोबाइल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। पेश है 10 शहरों की 10 बड़ी खबर। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि जब वोट की जरूरत होती है तो यूपी और बिहार के लोग याद आते हैं और अब बाहरी कहकर इलाज बंद करा रहे हैं। पहले भी लाखों प्रवासियों को केजरीवाल ने बॉर्डर पर छोड़ दिया था। चुनाव के दौरान केजरीवाल सरकार को जब वोट की आवश्यकता होती है तो उन्हें उत्तर प्रदेश और बिहार सहित सभी अन्य राज्य के लोग अपने लगने लगते हैं, उनकी खुशामद शुरू कर देते हैं। लेकिन अब जब उन्हें नागरिकों की जिम्मेदारी उठाने की बात आई है तो अब उन्हें पराया बताया जा रहा है। केजरीवाल सरकार ने पहले भी दिल्ली की सीमा पर खड़े अन्य राज्यों के रहने वाले लाखों लोगों से मुंह फेरने का काम किया था। ऐसे संकट के समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उन सभी प्रवासियों को न केवल उनके गृह जनपद पहुंचाया बल्कि उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी की। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार बिना किसी भेदभाव के मानवता को अपना धर्म मानकर कार्य कर रही सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य सरकार पूरी ताकत से लड़ रही है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने 1 लाख अधिक बेड कोविड के लिए तैयार किए। साथ ही साथ प्रतिदिन 15,000 से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में किसी मरीज को भर्ती करने से पहले ये नहीं पूछा जा रहा है वो किस राज्य से आया है। मैं यही कहूंगा कि दिल्ली को पूरे देश के लोगों ने मिलकर सजाया है और संवारा है। किसी भी व्यक्ति के लिए देश में कहीं भी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता उसका संवैधानिक अधिकार है और इस संवैधानिक अधिकार को छीनने का हक दिल्ली के मुख्यमंत्री को बिल्कुल नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा देश देसी जुगाड़ के लिए जाने जाता है। पुणे की केमिस्ट्री के टीचर जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे थे तब उनके पास ट्राइपॉड नहीं था और ऐसे में उन्होंने हैंगर, कुर्सी और कपड़े की मदद से ट्राइपॉड बना डाला। इसका वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पश्चिमी दिल्ली सांसद परवेश साहिब सिब्बरमा ने जनता के बीच जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 साल में किए गए कार्यों को जनता को अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता की सेवा ही मोदी जी का परम धर्म है। रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में कुबेर टीले पर भगवान शशांक शेखर की आराधना शुरू हो गई है, जहां 28 वर्ष बाद भगवान शशांक शेखर का अभिषेक किया गया। महंत कमल नयन दास के साथ प्रमुख संत इस अनुष्ठान में शामिल हुए। ऐसा माना जाता है कि महादेव की पूजा के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती है। कुबेर टीला पर गए, भगवान शिव जी वहाँ दिखाई पड़े। पुराना मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में गिरा हुआ, तो हमारी इच्छा हुई भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाए। जन निश्चित हुआ तो आज अभिषेक के लिए सारी तैयारी भगवान शशांक का आज हम लोग अभिषेक करेंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर में शिवसेना कार्यकर्ता ने फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ की। कंपनी पर आरोप है कि जनता से कर्ज की जबरन वसूली किया है, जिसको लेकर कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। दिल्ली के रोहिणी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने जनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों को 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 के ऐतिहासिक उपलब्धियों से अवगत कराया एवं पीएम मोदी की चिट्ठी भी लोगों को दी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के मणिहान तहसील में एक महिला मरीज के साथ डॉक्टरों ने दुर्व्यवहार करते हुए इलाज के बजाय बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसको लेकर अब डॉक्टर की आलोचना हो रही है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में भूख और बीमारी से तड़प रहे बच्चों की खातिर एक मां ने अपने गहने बेच दिए। लॉकडाउन में तमिलनाडु से लौटे प्रवासी परिवार को गांव में न तो मुफ्त राशन मिला न ही कोई काम। सरकार से गुहार लगाने के बाद भी उसे कोई राहत सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाई। पहले बम्बई में रहते थे, तमिलनाडु में। पापा का कुछ काम चल जाता था और वहाँ से भगा दिया गया, यहाँ कमरे वालों ने भगा दिया। तो वहाँ से कन्नौज चला आया अपना गांव में और जो खाना पीने का कुछ तैयार नहीं, तो समस्या ज़्यादा वहाँ से तो मिल गया थोड़ा थोड़ा 10-10 किलो, वो ख़त्म हो गया। और जो पैसे से नहीं थे खाने के लिए तो मम्मी पापा ने मम्मी को और जो बहन पहनती थी वो जेवर
वो बेचिया है। तमिलनाडु में मेरे पापा पूरा परिवार रहता है, वहाँ पे गांव वाले का लॉकडाउन वजह से कोरोना ज़्यादा गांव में है, तो हम लोग कुछ भी नहीं संभाल पाएंगे, आपका गांव चले जाओ। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है एवं इस अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर मोदी सरकार 2.0 के प्रथम वर्ष की उपलब्धियों के बारे में दिल्ली की जनता को अवगत कराया जा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी की बेटी जीवा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक मनमोहक कहानी साझा की है, जिसमें उनके पिता धोनी ने एक बेहोश बच्ची को पुनर्जीवित करने में मदद की जो उन्हें रांची के लॉन में पड़ा मिला था। तो ये थे 10 शहरों की 10 बड़ी खबर। नमस्कार।